Hey guys, what's up? So welcome back. This is continuation of the learn English or Hindi, right? And in this video, this is the continuations of previous video. Here we are talking about how to describe a places, right? So यहाँ हम कैसे किसी जगह के बारे में बताना है वो सीख रहे हैं, right? And यह पहले ही वीडियो का continuations है. So the questions could be, what is the famous for? क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, राइट? जनरली वी आस्क व्हाट इज़ फेमस फॉर, क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, लाइक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वी आस्क. देन वी आस्क हैव यू बीन टू दिल्ली. सो हियर यू कैन कीप एनी सेंटेंस, हैव यू बीन टू बिहार, हैव यू बीन टू कोलकाता, हैव यू बीन टू बैंगलोर, राइट? क्या तुम दिल्ली गए हो? तो वेन यू से हैव यू बीन टू दिल्ली, विच मीन्स क्या तुम दिल्ली गए हो. इट इज़ फेमस फॉर फार्मिंग, वह फार्मिंग के लिए फेमस है, मतलब वह जगह कृषि के लिए बहुत ही फेमस है. इट इज़ फेमस फॉर फार्मिंग, वो कृषि के लिए बहुत ही फेमस है. सो व्हेन समबडी विल आस्क यू हैव यू बीन टू दिल्ली, योर आंसर विल बी येस आई हैव बीन टू दिल्ली. सो लेट्स से कि आप दिल्ली पहले से गए हो, यू कैन रिप्लाई येस आई हैव बीन टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया हूँ. और यू कैन से दैट नो आई हैव नॉट बीन टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं गया हूँ, राइट? नाउ वी विल स्टार्ट विद द कन्वर्सेशन वेयर लेट्स से टू पर्सन्स आर टॉकिंग. सो जहाँ पे दो लोग बातचीत कर रहे हैं, सो हाउ दे विल टॉक, दे विल आस्क वेयर आर यू फ्रॉम बी. सो लेट्स से ए इज वन पर्सन, बी इज अदर पर्सन, राइट? इसमें ए एक आदमी है और बी दूसरा आदमी है. तो ए बोलेगा वेयर आर यू फ्रॉम बी, बी तुम कहाँ से हो. बी रिप्लाई करेगा आई एम फ्रॉम बैंगलोर, राइट? मैं बैंगलोर से हूँ. ए विल आस्क प्रॉपर बैंगलोर, यूजुअली वी टॉक लाइक दिस, राइट? प्रॉपर बैंगलोर मतलब क्या आप बैंगलोर से ही हैं. बी विल रिप्लाई येस येस आई एम फ्रॉम बैंगलोर, येस आई एम फ्रॉम बैंगलोर. इट इज़ नाइस प्लेस, राइट? सो ए इज सेइंग दैट इट इज़ नाइस प्लेस, विच मीन्स यू नो आई एम पुटिंग अ क्वेश्चन मार्क, राइट? यूजुअली वी टॉक लाइक दिस, इट इज़ नाइस प्लेस, राइट? विच मीन्स आई एम सेइंग दैट ओके बैंगलोर अच्छा जगह है. सो बी विल से ऑफकोर्स आई लव बैंगलोर. सो बी इज सेइंग दैट येस वो बहुत ही अच्छा जगह है, मैं बहुत पसंद करता हूँ, आई लव बैंगलोर. देन ए विल आस्क कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट बैंगलोर. देन ए विल आस्क क्या तुम बैंगलोर के बारे में कुछ बता सकते हो. कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट बैंगलोर, क्या तुम बैंगलोर के बारे में कुछ बता सकते हो. द बी विल रिप्लाई वेल फर्स्ट थिंग अबाउट द बैंगलोर इज वेदर, द वेदर इज रियली गुड. तो बी विल से वेल द फर्स्ट थिंग अबाउट द बैंगलोर इज वेदर, मतलब बैंगलोर का जो सबसे अच्छा है वो वेदर है, बैंगलोर का जो सबसे अच्छा है वो वेदर है. एंड वेदर इज़ रियली गुड, और बैंगलोर का जो वेदर है बहुत अच्छा है, बैंगलोर का जो वेदर है बहुत अच्छा है. व्हाट लैंग्वेज दे स्पीक देयर, वहाँ लोग कौन सा भाषा बोलते हैं. व्हाट लैंग्वेज दे स्पीक देयर, वहाँ पे लोग कौन सा भाषा बोलते हैं. दे स्पीक कन्नडा एंड हिंदी, वहाँ पे लोग कन्नडा और हिंदी बोलते हैं. दे स्पीक कन्नडा एंड हिंदी, वहाँ पे लोग कन्नडा और हिंदी बोलते हैं. What are the important places to visit? वहाँ पे कौन कौन सा important जगह है जहाँ पे जाना चाहिए. What are the important places to visit? मतलब वहाँ पे कौन कौन सा प्रसिद्ध जगह है जहाँ पे जाना चाहिए. There are lot of places to visit. मतलब वहाँ पे बहुत सारा प्रसिद्ध जगह है, मतलब एक दो नहीं है, वहाँ पे बहुत सारा प्रसिद्ध जगह है. There are lot of places to visit. Now the next slide. Let's say we need to frame a sentence. Start with somebody. हम लोगों को somebody से वाक्य बनाना है, right? हम लोग somebody से वाक्य बनाना चाहते हैं. कैसे बनाना है? Somebody has left the bag here. कोई यहाँ bag छोड़ गया है. Somebody has left the bag here. कोई यहाँ bag छोड़ गया है. Somebody has left the bag here. कोई यहाँ पे bag छोड़ के चला गया है. Somebody has kept the book here. कोई यहाँ किताब रख गया है. Somebody has kept the book here. मतलब कोई यहाँ पुस्तक रख गया है. Somebody has left the book here. कोई यहाँ पुस्तक रख गया है. Somebody has taken my raincoat. कोई मेरा रेनकोट ले लिया. Somebody has taken my raincoat. कोई मेरा रेनकोट ले लिया. Somebody has broken the glass. कोई ग्लास को तोड़ दिया. Somebody has broken the glass. कोई शीशा को तोड़ दिया और ग्लास को तोड़ दिया. कोई ग्लास को तोड़ दिया. Somebody has broken the glass. Now when we say the sentence
विथ कैन आई हैव। सो यहाँ पे हम लोगों को सेंटेंस सीखना है, वॉक सीखना है, जो स्टार्ट होता है कैन आई हैव। सो कैन आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे एक गिलास वाटर मिल सकता है, राइट। सो क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है, कैन आई हैव, इट्स लाइक यू आर आस्किंग द क्वेश्चंस, राइट। आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हो कि कैन आई हैव ग्लास ऑफ वाटर, मतलब क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। कैन आई हैव एप्लीकेशन फॉर्म, क्या मुझे एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, मतलब क्या मुझे एप्लीकेशन फॉर्म है जो मिलेगा। कैन आई हैव ए पेन प्लीज़, क्या मुझे एक कलम मिलेगा। कैन आई हैव ए पेन प्लीज़। कैन आई हैव योर एड्रेस, क्या मैं तुम्हारा पता जान सकता हूँ। कैन आई हैव योर एड्रेस, क्या मैं तुम्हारा पता जान सकता हूँ। कैन आई हैव ए कप ऑफ हॉट कॉफ़ी, क्या मुझे एक कप ऑफ गर्म कॉफ़ी मिल सकता है। कैन आई हैव अ कप ऑफ हॉट कॉफ़ी, क्या मुझे एक कप हॉट कॉफ़ी मिल सकता है। कैन आई हैव अ फूड, क्या मुझे खाना मिलेगा। कैन आई हैव अ फूड, क्या मुझे खाना मिलेगा। कैन आई हैव योर शर्ट, क्या मैं तुम्हारा शर्ट ले सकता हूँ। कैन आई हैव योर शर्ट, क्या मैं तुम्हारा शर्ट ले सकता हूँ। कैन आई टेक दिस, क्या मैं ले सकता हूँ। कैन आई टेक दिस, क्या मैं यह ले सकता हूँ। कैन आई प्ले विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। कैन आई प्ले विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। कैन आई डांस, क्या मैं डांस कर सकता हूँ, क्या मैं नाच सकता हूँ। कैन आई डांस, क्या मैं नाच सकता हूँ। कैन आई सिंग, क्या मैं गा सकता हूँ। कैन आई सिंग, क्या मैं गा सकता हूँ। कैन आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा सकता हूँ। कैन आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा सकता हूँ। कैन आई गो बाई बस, क्या मैं बस से जा सकता हूँ। कैन आई गो बाई बस, क्या मैं बस से जा सकता हूँ। कैन आई यूज़ दिस प्लेट्स, क्या मैं इस प्लेट को यूज कर सकता हूँ। कैन आई यूज़ दिस प्लेट्स, क्या मैं इस प्लेट को यूज कर सकता हूँ। तो ऐसे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं कैन आई, मतलब जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो आप ऐसा सेंटेंस बना सकते हो। और आप रियली इंग्लिश या हिंदी कुछ भी सीखना चाहते हो तो आप खुद से सेंटेंस लिखो, राइट। सो यहाँ पे मैं गाइड कर रहा हूँ कि हाउ यू कैन यूज़ द वर्ड्स। नाउ आप खुद से सेंटेंस बनाओ, यू मेक योर ओन सेंटेंस, ओके, राइट इन योर बुक एंड ट्राई टू स्पीक, राइट, सो दैट यू विल लर्न, अदरवाइज यू विल नॉट लर्न। द सेकेंड थिंग वॉट यू कैन डू इज यू कैन वॉच एनी वीडियो 2-3 times, सो दैट वॉट एवर सेंटेंस आई एम मेकिंग, राइट, इट शुड बी इन योर माइंड। सो वेन एवर यू आर टॉकिंग टू समबडी, इट शुड कम वेरी फास्ट, राइट। जब भी आप इसको 2-3 बार देख लोगे तो ये सारे वर्ड आपके दिमाग में आ जाएंगे। जब आप किसी से भी बात करेंगे तो ये वर्ड बहुत तेज़ी से आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप इसको प्रैक्टिस में रखते हैं, मतलब रोज़ रोज़ आप इसको देख रहे हैं। देखने से क्या होता है कि आप बहुत फास्ट इन चीज़ों को बोल सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, ओके, आई विल क्लोज द वीडियो हियर इटसेल्फ एंड आई विल कंटिन्यू विथ अदर वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो, सो हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। थैंक यू वंस अगेन।